बनारस की रैली क्या नीतीश कुमार की रद्द हुई, इस पर अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जदयू भाजपा पर ठिकरा फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग भी जदयू पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सब चोचलेबाजी है, चोचलेबाजी कर कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में क्या है, ये सब कुछ जनता जानती है। यानी कहीं ना कहीं जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ये बातें कही है। सीधे तौर पर कहा कि भाजपा को जिम्मेदार ठहराने से पहले वो सोच ले कि उनका जनाधार बिहार में क्या है। ये सब नीतीश कुमार के चोचले हैं, इससे जनता उन्हें नकार चुकी है। तीन राज्यों से नीतीश कुमार, भाजपा जिस तरीके से तीन राज्यों में जीत हुई है, इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और घबराहट में इस तरह की बातें कह रहे हैं। वहीं अडानी ग्रुप जिस तरीके से बिहार में इन्वेस्ट करने में लगी हुई है, उसको लेकर एक तरफ जो है जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अडानी पर निशाना साधते हैं, तो दूसरी ओर अडानी का इस्तेमाल करते हैं। अब सोच लीजिए कि एक ही नेतृत्व है जो लोग, देश की जनता भरोसा कर रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। यानी नीतीश कुमार के चोचलेबाजी अब सामने आ गई है जनता का। यानी बनारस में उनकी भीड़ नहीं जुटने वाली थी, इसलिए उन्होंने इसे रद्द किया है। अब इस पर भाजपा का ठिकरा फोड़कर वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। क्या कुछ कहा है, पहले वो हम आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मजबूत और कद्दावर नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व है, और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, तो स्वाभाविक है कि कभी अडानी का नाम लेंगे, कभी बनारस की चर्चा करेंगे, कभी किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भारत के लोगों को फर्क पड़ता है। भारत के लोग जानते हैं कि यह भारत किसके हाथ में मजबूत रहे। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी आइलैंड्स में, ये सबको पता है, और किस प्रकार की वो रैली करना चाह रहे थे और किस स्थिति में वो मैदान नहीं मिला, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। तो कारण समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से तीन राज्यों में एक मजबूत स्थिति बनाई है, तो उससे ये काफ़ी बौखलाए हुए हैं, और इन्हें जब इंडी में ही इनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि बनारस में जाके ये किस प्रकार का रैली करना चाह रहे थे। ये सिर्फ राजनीतिक एक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस तरह की चोचलेबाजी श्री नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी हैं वो करते रहते हैं। इससे कोई राजनीतिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एक जिम्मेदारी बिहार की जनता ने उन्हें दी है, उसे बेहतर ढंग से वो निभावे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने सीधे शब्दों में सुना किस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के ये सब चोचले हैं और नीतीश कुमार जो है भाजपा से घबराए हुए हैं। तीन राज्यों में जिस तरीके से जीत हुई है, उससे नीतीश कुमार की घबराहट सामने झलक रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।